जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जीवन के ऐसे कौन से सबसे बड़े कड़वे सच हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते? जीवन का सबसे कड़वा सच क्या है, इस सत्य घटना में स्वयं ही देखिए। पिकनिक पर गया एक परिवार पानी में मस्ती कर रहा है। इन पलों को दूर करने बैठी महिला मोबाइल में कैद कर रही थी। अचानक से कुछ ही सेकेंड में सब कुछ बदल जाता है। पत्नी की आंखों के सामने पति और उसके परिवार की दोनों लड़कियां पानी में समा चुकी थीं। दिल दहलाने वाली घटना तेलंगाना के जनगांव की है। तेलंगाना के जनगांव में शनिवार को एक फैमिली बोम्मापुर रिजर्वायर पर पिकनिक मना रही थी, तभी अचानक से एक भयानक हादसा हो गया। दिव्या अपने पति अविनाश के साथ पिकनिक मनाने गई थी। साथ में अविनाश के दो रिश्तेदार संगीता और सुमालता भी थे। पानी में तीनों मस्ती कर रहे थे, तभी एक लड़की ने अविनाश को पानी में पटकना चाहा, लेकिन अविनाश ने दोनों को दबोच लिया। इस चक्कर में तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। पत्नी वहीं सामने बैठकर वीडियो बना रही थी। वह समझ ही नहीं पाई सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। जब उसने गांव वालों को चिल्लाकर बुलाया तो गांव वालों ने लाशें पानी से बाहर निकाली। जीवन का यही सबसे कड़वा सच है, जीवन की अनिश्चितता। इस बारे में न कोई सोचता है और ना ही सोचना चाहता है। बात करना तो बहुत दूर की बात रही। पति और रिश्तेदारों की इतनी बड़ी दुर्घटना का वीडियो महिला खुद बना रही थी। क्या उस बेचारी को पता था कि वह पल भर का मजा जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन सकता है? वह पिकनिक का कार्यक्रम उसके लिए अनहोनी बनकर आया। इस तरह के हादसे अक्सर होते रहते हैं। कोई भी यह नहीं सोच पाता कि उस व्यक्ति की जगह मैं भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। इस कड़वी सच्चाई के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता, बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु तो अटल है, जीवन का अंतिम कटु सच। इस कड़वे सच का घूंट हम सबको एक दिन पीना ही पड़ेगा। किसी को नहीं पता कि हमारा आखिरी पल कब, कहां और कैसे आएगा। तब तक हम वर्तमान में रहकर जीवन के सत्कर्म करते हुए आनंद पूर्वक जीने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ईश्वर का स्मरण और शुक्रिया अदा करें और नकारात्मक विचारों से बच के रहें। तनाव में जीकर मृत्यु से पहले ना मरें, क्योंकि चिंता चिता समान है। ईश्वर की कृपा का आश्रय लेकर सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, फिर तनाव भी नहीं होगा। भौतिक धन से ज्यादा प्राथमिकता संतोष धन को दें, जो मन की शांति बढ़ाने में सहायक है। छोटी छोटी बातों का बड़ा दुख ना मनाएं, क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। इस दुनिया में हम लोग भाग्य लेकर आते हैं और यहाँ से कर्म लेकर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से अच्छा है भगवान क्या कहेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, यह सोचकर जीवन जीना ज्यादा बेहतर है। यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक द खबरदार न्यूज को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि द खबरदार न्यूज में हम बाकी अन्य न्यूज चैनल से हटकर अलग तरह की वीडियो बनाते हैं, अलग तरह के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो देखना ना भूलिए द खबरदार न्यूज। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।